जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन किया शुरू। यूपी के अलापुर और उत्तराखंड के कर्णप्रयाग सीट पर आज हो रहा मतदान। चमोली की कर्णप्रयाग सीट पर वोटिंग हुई। बसपा प्रत्याशी कुलदीप कनवासी की मौत के बाद चुनाव हुआ था स्थगित। हिमाचल कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी। अगले तीन दिन तक तूफान का अलर्ट। 10 डिग्री तक गिरा पारा। पीएम मोदी ने गांधीनगर में स्वच्छ शक्ति सम्मेलन को किया संबोधित। कहा महिला सरपंचों ने स्वच्छता में दिया योगदान। साथ ही गांधी के सपनों का भारत बनाने के लिए स्वच्छता में सहयोग को बताया जरूरी। और अजमेर ब्लास्ट केस में स्वामी असीमानंद बरी। एनआईए कोर्ट ने तीन लोगों को दोषी दिया करार। 2007 में अजमेर में हुआ था बम ब्लास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ नीरू यादव। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के अलापुर और उत्तराखंड की कर्णप्रयाग सीट पर आज मतदान हो रहा है। चमोली की कर्णप्रयाग सीट पर वोटिंग शुरू हो गई है। इस सीट पर बीएसपी प्रत्याशी कुलदीप कनवासी की मौत के बाद चुनाव स्थगित हो गया था। निर्वाचन आयोग ने बीएसपी के नए प्रत्याशी के नामांकन के बाद 9 मार्च को चुनाव घोषित किया था। एक सड़क हादसे में बीएसपी प्रत्याशी की मौत हो गई थी। बीएसपी ने इस सीट पर ज्योति कनवासी को चुनाव मैदान में उतारा है, जो कि बीएसपी नेता कुलदीप कनवासी की पत्नी है। आपको बता दें कि सीट पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक अनुसुईया प्रसाद मेखूरी, बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इंद्रेश मेखूरी चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा यूपी के अंबेडकर नगर की आलापुर सीट पर भी मतदान शुरू हो गया है। आलापुर सीट से समाजवादी पार्टी के चंद्रशेखर कनौजिया के निधन की वजह से यहां चुनाव स्थगित कर दिया गया था। मणिपुर में आखिरी चरण के मतदान के दिन शाम करीब 6 बजे राजधानी इम्फाल में बम धमाका हुआ। धमाका कस्तूरी ब्रिज के पास एमा मार्केट में हुआ है। कम तीव्रता का यह धमाका बाजार के एक मेडिकल स्टोर में हुआ है, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है और ब्लास्ट की जाँच भी शुरू कर दी गई है। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में आतंकी संगठन आईएस से जुड़े आतंकी के मारे जाने पर संसद के दोनों सदनों में बयान दे सकते हैं। गृह मंत्रालय ने एमपी और यूपी सरकार से दोनों घटनाओं पर एफआईआर की कॉपी मांगी है। 11 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र में सरकार के लिए सबसे जरूरी होगा वित्त बिल को पास कराना। इसके साथ जीएसटी से जुड़े 2 कानूनों को भी सरकार संसद के इस सत्र में पास कराएगी। उधर विपक्ष ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा गुरमेहर कौर के खिलाफ गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू की टिप्पणी को मुद्दा बनाने की तैयारी की है। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी को शुरू होकर 9 फरवरी तक चला था, जिसमें आम बजट पेश किया गया था और उस पर चर्चा भी शुरू हुई थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मौके से रुक रुक कर गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। आशंका जताई जा रही है कि 2 या 3 आतंकी इस इलाके में छिपे हुए हैं। जवानों को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद आतंकियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकियों की गोलीबारी का जवाब देने के लिए जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। स्वामी असीमानंद को साल 2007 के अजमेर दरगाह धमाके के मामले में एक विशेष अदालत ने बरी कर दिया है। इस मामले में 3 अन्य को दोषी करार दिया गया है। इस प्रकरण में कोर्ट ने सुनील जोशी, देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को दोषी करार दिया है। इनमें से सुनील जोशी की पहले ही मौत हो चुकी है। स्वामी असीमानंद को अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में
2007 में हुए विस्फोट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर हमले की योजना बनाने का आरोप था। 11 अक्टूबर 2007 को हुए इस ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 20 लोग घायल हुए थे। मामले की जांच 2011 में NIA को सौंपी गई थी। चार्जशीट में असीमानंद को मास्टरमाइंड बताया गया था। असीमानंद और 6 अन्य पर हत्या, साजिश रचने, बम लगाकर धमाका करने और घृणा फैलाने का आरोप लगाया गया था। सजा का ऐलान कोर्ट 16 मार्च को करेगी। लखनऊ के ठाकुरगंज में घुसे IS आतंकी सैफुल्ला को करीब 13 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद ATS ने मार गिराया। यूपी पुलिस और ATS ने मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। मुठभेड़ के बाद पुलिस को घर की तलाशी में एक संदिग्ध आतंकी का शव बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस ने मकान में 2 संदिग्धों के छिपे होने की आशंका जाहिर की थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद घर से सिर्फ एक ही शव बरामद किया गया। पुलिस ने आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और कई दूसरी चीजें बरामद की हैं। बता दें कि मंगलवार को ठाकुरगंज की हाजी कॉलोनी में संदिग्ध IS आतंकी एक मकान में छिप गया था। आतंकी को पकड़ने के लिए शाम करीब 4 बजे से ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो रात करीब 2:30 बजे खत्म हुआ। इस ऑपरेशन में यूपी पुलिस के साथ 20 कमांडो भी शामिल थे। ATS द्वारा मारे गए आतंकी सैफुल्ला के पिता ने उसका शव लेने से हालांकि इनकार करते हुए कहा कि उसने कोई देश हित का काम नहीं किया है, इसलिए हम उसका शव लेकर कोई नया बखेड़ा नहीं करना चाहते हैं। हमको एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे ISIS रिलेटेड एक ग्रुप बन रहा है और उससे संबंधित एक सस्पेक्ट हो सकता है। इस सूचना पे हमने यहाँ पे घेराबंदी की और सस्पेक्ट को सरेंडर करने के लिए बताया, लेकिन उसने हमारे ऊपर फायर किया। लेकिन हमने इस जगह की घेराबंदी की और कई घंटे हमने हर संभव प्रयास किया कि इसको जीवित हम गिरफ्तार कर पाएँ। इसके परिवार से बात कराई, फ़ोन मिला करके इसको लगातार हमने काउंसिल किया, नेगोशिएट किया इसके साथ में। जब नई बात बनी तो फिर हमने चिली बॉम्ब और टीयर गैस जैसे केमिकल्स यूज़ किए इसको स्मोक आउट करने के लिए, लेकिन ये सारी टैक्टिक्स हमारी सफल नहीं हुई और ये अंदर से लगातार फायर करता रहा। इसके कमरे की तलाशी ली गई तो 8 पिस्टल्स, 650 से ऊपर राउंड्स, 50 से ऊपर फायर किए हुए राउंड जो इसने हम लोग के ऊपर फायर किए हैं पूरे ऑपरेशन में। इसके अलावा बहुत सारा एक्सप्लोजिव बनाने का सामान बना हुआ, अधबना और रॉ मटेरियल मिला है। अंदर से गोल्ड और कैश मिला है, पासपोर्ट्स मिले हैं, बहुत सारे सिम कार्ड्स मिले हैं। तो काफ़ी सब्सटेंशियल ये ग्रुप प्रतीत होता है और इसमें 2 लोग और हैं जिनको कि हम लोग अभी ट्रैक कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी ट्रैक डाउन करें और हम अरेस्ट कर पाएं। देश की राजधानी दिल्ली के डिप्टी CM और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश किया। अपने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए सिसोदिया ने कहा कि एक रात को आसमां का निजाम मेरे नाम कर दे, मैं सारे तारे उठाकर गरीबों में बांट दूं। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। भारत की GDP में दिल्ली का योगदान 2011 और 12 में 3.94 से बढ़ाकर 2016 में 4.08% हुआ है। साथ ही बारापुला Phase 3 और मेट्रो Phase 3 का काम और तेजी लाने की बात कही। हमने आधी कीमत पर बिजली, 20,000 लीटर मुफ्त पानी देकर जनता को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। दिल्ली में 9 नए वोकेशनल कॉलेज खोले जाने हैं जिनमें उच्च शिक्षा में 2700 सीटें बटेंगी। अब सरकार ने गेस्ट लेक्चरों की सैलरी बढ़ाकर 32,000 से 34,000 रुपये की। सिसोदिया ने कहा EWS की 25% आरक्षित कैटेगरी में दाखिले में पारदर्शिता हमारी बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक और रेन बसेरों को जोड़कर बेघरों को मेडिकल सुविधाएं दिलाने की पहल की है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक पर सबसे ज्यादा चर्चित राजनीतिक शख्सियत के रूप में उभरे हैं। इस सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम दूसरे स्थान पर है। फेसबुक द्वारा इस चर्चा के आधार पर एक रैंकिंग तैयार की गई। इसमें मोदी और अखिलेश के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह तीसरे स्थान पर है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी चौथे स्थान पर रहे। इसके बाद सूची में 5वां स्थान बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती को और 6ठा स्थान सांसद डिंपल यादव को मिला है। इस चर्चा में BJP नेताओं के बारे में सबसे अधिक बार बातचीत हुई है। इसमें 60% से ज्यादा चर्चा में BJP नेता, 45% में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और 15% चर्चा में अन्य पार्टियां रही हैं।
2017 के चुनाव परिणाम 11 तारीख को आने हैं, जिसका इंतजार सभी को है। वहीं कांग्रेस में शामिल हो चुकी नवजोत कौर सिद्धू ने अमृतसर में कहा कि उन्हें पंजाब में जीत की पूरी आस है। पंजाब में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लोग अकाली दल से बहुत नाराज हैं। नवजोत ने कहा कि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि नई सरकार बने और कुछ राहत मिले। नवजोत सिद्धू ने सुखबीर सिंह बादल पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर भगवान उनको पहले याद आ जाता तो थोड़े से नेक काम कर लेते, जो काम पिछले समय में किया था वह ना करते, जो हालात आज के समय के हैं वह भी ना होते। वहीं केंद्र सरकार की ओर से जो पैसे पंजाब सरकार को दिए जा रहे हैं उसकी जांच नई सरकार बनने के बाद की जाएगी। कांग्रेस सरकार बना दे, नहीं हार्ट भी तो बहुत स्टेबल है, बिकॉज थोड़ा जा अंदाजा तो हो ही जाता है। वी आर होपिंग कि यस कांग्रेस सरकार बना दे, एंड ऑफ कोर्स सीट बारे भी बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैगियाँ कि सीट भी वाहेगुरु की मेहर होगी तो जिती जावांगे। सो एक्साइटमेंट तो ऑलवेज होंगी है सरकार लई, नवी सरकार बननी है, पर जो भी बने आई होप कि पंजाब का भला होवे बस। देवरिया में महिलाओं ने धूमधाम से महिला दिवस मनाया। महिला एकता शक्ति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष मनु तिवारी के नेतृत्व में महिलाओं ने सभा की और एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर महिला दिवस की बधाई दी। तो वहीं महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार और आपराधिक घटनाओं के खिलाफ प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। महिला एकता शक्ति संगठन के अध्यक्ष का कहना था कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर लगाम लगनी चाहिए, साथ ही राजनीति में भी महिलाओं की बराबर की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। नांगल चौधरी के बिगोपुर गांव में 11वीं की एक छात्रा ने गांव की एक लड़के पर ब्लैकमेल करने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने चुपके से नहाते समय उसकी कुछ तस्वीरें खींच ली थी और उन्हें ही दिखाकर वो लगातार उसे ब्लैकमेल करता था। पीड़िता ने पुलिस में मामला दर्ज कराकर इंसाफ की मांग की है। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आ रही थी तो मेरे घर पे आया मुझे मेरे पापा, तो उसने मेरे पापा को आवाज दी तो मैंने बोला कि नहीं है मेरे पापा घर पे, तो उसने आकर मेरी फोटो खींची। तो यार फिर दूसरे तीसरे दिन मुझे दिखाई मेरी फोटो की, देख मुझसे बात कर, मुझे ब्लैकमेल किया, तो मुझे मजबूरी में करनी पड़ी। और फिर बाद में 5 तारीख को जब मैं मेरी सहेली के पास जा रही थी तो उसने, उसका घर रास्ते में पड़ता है, और उसने मुझे भागने में से खींच कर अंदर लेगा, मेरा मुंह खींच कर उसने मेरे साथ गलत काम किए। 6 तारीख को हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, उसी दिन हमने इस पर FIR दर्ज कर दी। FIR दर्ज करके लड़की को मेडिकल करवा दिया था और 164 के बयान। गाजियाबाद में जिला प्रशासन मतगणना की तैयारी में जुट गया है। DM निधि केसरवानी ने बताया कि नोटों की गिनती के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। मतगणना से संबंधित जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जिले की सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाबाद के बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। काउंटिंग के लिए अधिकारियों की ट्रेनिंग पूरी होने की बात कहते हुए DM ने मतगणना केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए जाने की बात कही। इसके साथ ही DM ने प्रशासन की ओर से विजय जुलूस पर भी प्रतिबंध लगाए जाने की जानकारी दी। तो हमारे 5 मतगणना हॉल हैं और प्रत्येक विधानसभा के लिए सब में 14 टेबलें लगाई गई हैं। साहिबाबाद में हमारे यहाँ 28 टेबलें लगाई गई हैं आयोग की अनुमति से, क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी विधानसभा है। जो हमारे कर्मचारी हैं गणना सहायक और गणना सुपरवाइज़र, उनकी नियुक्ति हो गई है, आज उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है और 10 तारीख को भी पुनः उनकी ट्रेनिंग होगी। और इनकी नियुक्ति कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रैंडमाइजेशन के माध्यम से की जा रही है और मान्य प्रेक्षक गणों के सहमति से की जा रही है। साथ ही साथ जो हमारी सुरक्षा रहेगी उसमें 3 टायर व्यवस्था की जा रही है। जो इनर क्वाड्रेंट रहेगा वो CPMF के द्वारा सुरक्षित रहेगा। उसके बाद में हमारा सिविल पुलिस और अन्य बाहर का आउटर क्वाड्रेंट जो रहेगा वह हमारे CO और मजिस्ट्रेट्स रहेंगे। वहाँ पे सूचना रहेगी, चरणवार जो सूचना निर्गत की जानी होती है वह कंप्यूटर के माध्यम से जेनेसिस सॉफ्टवेयर में आयोग की वेबसाइट पर भी फीड की जाएगी ताकि सब जगह उसको देखा जा सके। साथ ही साथ अनाउंसमेंट्स के सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं, डिस्प्ले का सिस्टम बनाया जा रहा है, जो काउंटिंग हॉल के अंदर व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे डिस्प्ले भी होगा और समय समय पे वह चरणवार सूचना मीडिया सेंटर को भी उपलब्ध कराई जाएगी। विजय जुलूस प्रतिबंधित है, ये इससे प्रत्याशियों को भी अवगत करा दिया गया है। जीत के उपरांत जो भी विजयी प्रत्याशी है उसको पुलिस के संरक्षण के अंतर्गत उसके सुरक्षित आवास तक पहुँचाया जाएगा और किसी भी प्रकार के विजय जुलूस को
इलाहाबाद पुलिस ने पिस्टल चोरी करने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए चोर को धर दबोचा, जिसके पास से चोरी की एक पिस्टल और मोबाइल बरामद हुआ है। इससे पहले चोर अपने मंसूबे में कामयाब होते तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक गाड़ी में एक वाहन वाले गए थे और उनकी गाड़ी संगम सीधे फंस गई थी और इसी दौरान कुछ लोग मदद करने आए और इसी बहाने दो और लड़के चंदन थे और एक और लड़का था जो गाड़ी निकालने के बहाने इनके पास आया। गाड़ी निकालने के समय ये जो भीड़ का था, भीड़ का फायदा उठा के इन्होंने गाड़ी से पिस्टल और इनके मोबाइल चोरी कर ली। मोबाइल चोरी करने के बाद ये अपने मोबाइल ऑफ कर दिया था। इनकी मोबाइल नंबर हमें वाहन चालक से मिली थी, जो ये जब इनका मोबाइल गायब हुआ था तो उन्होंने मिस कॉल मारने के लिए कहा था। हमारे पास ये क्लू था, इसके आधार पर इनका सर्विलांस टीम को लाया गया। कुछ दिन तक ये तो मोबाइल बंद रखे और अभी हाल फिलहाल में इन्होंने मोबाइल अपना चालू किया तो सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर दारागन के द्वारा दबी दी गई। उनमें से एक लड़का जो चंदन में पकड़ा गया है और पिस्टल और मोबाइल बरामद हो गई, दूसरा जो फरार है उनके लिए भी खोजबीन की जा रही है। गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में एक युवक ने युवती को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया तो वहीं खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना प्रताप विहार स्थित एक निजी अस्पताल की है। मंगलवार शाम आरोपी युवक बंदूक के साथ अस्पताल में दाखिल हुआ और युवती पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया। युवती को गोली मारने के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली। युवती ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस की माने तो आरोपी युवक युवती के पड़ोस में ही रहता था। हालांकि हत्याकांड की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। वहीं मृतक युवती के परिजनों ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अस्पताल प्रशासन को ही घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। प्रशासन हो तो है, गोली कैसे लग सकती है अस्पताल में, ये हमने देखने जा मिली है। अस्पताल में ऐसे गोली कैसे मार सकता है, पूरा अस्पताल भरा हुआ है, उसमें गोली कैसे मार सकता है, क्यों मार सकता है? इतना प्रशासन हो तो हॉस्पिटल में नहीं है, तो हॉस्पिटल वाली गलती है ना अपना। ये विजयनगर थाना क्षेत्र का इंसिडेंट है। इसमें 7 बजे के आसपास लाइफ लाइन मेडिकल सेंटर पे रिसेप्शनिस्ट के पद पर एक युवती काम करती थी, जिसको उसी मोहल्ले के एक युवक ने आकर के उसको गोली मारी। मौके पर ही युवती की डेथ हो गई और युवक ने भी स्वयं को गोली मार ली, जिसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया, वहाँ वो मृत घोषित किया गया। अभी तक जो तथ्य सामने आया है उसमें ये बात है कि दोनों युवक आपस में परिचित थे और एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। बाकी ये घटना क्यों हुई इसके बारे में छानबीन कर रही है। बुलंदशहर के जहांगीराबाद के भोला सिंह सावित्री देवी स्कूल के क्लास रूम में पंखे से युवती का शव लटके मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। यहां के अमरगढ़ गांव में स्थित भोला सिंह सावित्री देवी स्कूल के कमरे में एक युवती का शव पंखे से लटका मिला। मृतका की शिनाख्त हो चुकी है। मृतका के परिजनों के अनुसार मृतका बीती 7 मार्च से गायब थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। सब लटका मिला, इसके बेसिस पर पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने पंचनामा पीएम की कार्रवाई की जा रही है। इस एंगल पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है पीएम और बाकी चीज़ों में कि उसके साथ कोई किसी तरह की कुछ बात तो नहीं हुई है और जो भी होगा उसके सुसाइड है या किसी ने मारा है दोनों बिंदुओं पर जाँच पड़ताल चल रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की और ये सारे बिंदुओं पर जाँच पड़ताल चल रही है और हम लोग हमारे सारे ये भी देख रहे हैं कि हो सकता है उसके साथ किसी ने मार के लटका दिया हो सकता है उसके साथ कुछ होनी नहीं हो रही हो। एक लड़के से गांव के ही लड़के से उसकी दोस्ती थी और उस बिंदु पर भी जांच पड़ताल हो रही है। जो भी सही घटना होगी, जो दोषी होगी उनके खिलाफ पंचनामा पीएम के बाद में और घर वालों की शिकायत की। यूपी में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। देवरिया में बाइक की डिग्गी से 3.5 लाख के गहनों की चोरी का मामला सामने आया है। घटना मालवीय रोड स्थित जिला मुख्यालय के बाहर की है। दरअसल पीड़ित व्यक्ति सोने चांदी के आभूषण बनाने का काम करता है। मंगलवार शाम पीड़ित किसी काम से जिला मुख्यालय आए थे। इस दौरान कुछ अज्ञात बदमाश उनकी बाइक की डिग्गी को तोड़कर उसमें रखे करीब 3.5 लाख कि गहने लेकर फरार हो गए। हालांकि एजेंसी में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध के कैद होने की बात सामने आई है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। शाहजहांपुर पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर स्मैक तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के पास से 2 किलो स्मैक और तकरीबन
60 लाख से ज्यादा रुपए की नकदी बरामद हुई है। आरोपी स्मैक को बाराबंकी से दिल्ली ले जा रहे थे। पुलिस ने चोरों के खिलाफ मुकदमा लिखकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बेसन की पुलिस को जो है सूचना प्राप्त हुई कि जो है कुछ अंतर्राष्ट्रीय तस्कर जो ड्रग का कारोबार करते हैं वो आ रहे हैं और वो राजकीय बसेस से जो है वो उतरने वाले हैं। इस आधार पर जो है पुलिस को सूचना प्राप्त हुई और उनके पीछे लगे। सूचना के उपरांत जो है इनकी चार व्यक्तियों को जो है जो संदिग्ध व्यक्तियों की उनकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान 2 किलो स्मैक बरामद हुई और उनके पास जो है 68,47,000 कुल नकद रुपए भी बरामद हुए। उनके विरुद्ध जो है और पूछताछ की जा रही है। ये प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि ये स्मैक जो है बाराबंकी से ले करके जो है जनपद बाराबंकी से ले करके और दिल्ली में जो इसको खपाने का कार्य करते थे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के देवीगंज इलाके में एक साड़ी की दुकान में चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब सुबह दुकानदार को इस चोरी की घटना की जानकारी हुई तो उसने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है कि एक महिला और पुरुष बोरे में भरकर दुकान से सामान बाहर ले जा रहे हैं। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि जब दुकान खोली गई तो देखा कि दुकान से सामान गायब है और दुकान की दीवार तोड़ी हुई है। वहीं पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। करे गए थे, फिर सुबह आए तो देखा कि पीछे से दीवार कटी हुई थी। चोर अंदर आए थे, 5,000 कैश ले गए और हमारी करीब 70-73 साड़ी, कुछ कोट पैंट, पैंट शर्ट, शेरवानी यही सब गया है। यही 2,59,60,000 के हिसाब से होगा। आपने 100 नंबर में सूचना दी थी? हाँ, 100 नंबर में सूचना दी थी, अभी सुबह ही दी थी। आगे तो आ गए थे 5 मिनट में। क्या उन्होंने बोला? उन्होंने बोला पहले एक अप्लीकेशन दे दो चौकी में, फिर उसके बाद हम कुछ करेंगे। देवीगंज मोहल्ले में एक चोरी हुई दुकान में, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में महिला आए, एक महिला और कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं सामान ले जाते हुए। उनकी तहरीर प्राप्त हो रही है, उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान करा मिली। यूपी के हापुड़ में हथियारों से लैस कार सवार 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े दंपत्ति को बंधक बनाकर 50,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने दंपत्ति को लिफ्ट देने के बहाने से कार में बिठा लिया और उन्हें बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की। साथ ही 50,000 की नकदी लूट कर हाईवे पर दंपत्ति को फेंक कर बड़े ही आराम से फरार हो गए। ये मामला हापुड़ के हाफिजपुर के नेशनल हाईवे का है, जहां बुलंदशहर का रहने वाला परिवार सुनीता और सतवीर अपनी 8 साल की बेटी के साथ हापुड़ के सिंभावली जा रहे थे। तभी रास्ते में कार सवार 4 बदमाश उनको कार में बिठाकर ले गए और परिवार को हथियारों के बल पर बंधक बना लिया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुझे यहाँ बाईपास को उतरने के बाद में मैं थिली विलर की बाट देख रहा, आज थिली विलर कार वाला आया, कार वाले मुझे बैठाया, मेरे साथ मारपीट करी, 50,000 को निकाल के ले गया, कान पर रिवाल्वर धर लिया, मुझे ऊपर सड़क पर गिर के चला गया। मैं, मेरी घर वाली और मेरी बच्ची। अच्छा, कार में बंधक बना लिया था आपको? हाँ, 4 आदमी थे। थाना हाफिजपुर क्षेत्र की घटना है आज, और लिफ्ट के वाले मतलब दंपत्ति उन्होंने कार में सवार किया और वहीं उनके जो पैसे थे वो ले लिए और इनको बाकी आगे उतार दिया। मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की। आगरा के बीकानेर रेस्टोरेंट में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां युवती के खाने में कॉकरोच निकल आया, जिसके बाद युवतियों ने जमकर हंगामा काटा। सूचना पर खाद्य विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं अधिकारियों को देख बीकानेर रेस्टोरेंट में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आपको बता दें कि मामला थाना न्यू आगरा के भगवान टॉकीज का है, जहां बीकानेर रेस्टोरेंट में लड़कियों के खाने में कॉकरोच निकल आया। इस पूरी घटना का जब वीडियो लेने की कोशिश की गई तो रेस्टोरेंट का स्टाफ प्लेट उठाकर ले गया। हालांकि कुछ फोटोज ले लिए गए हैं। घटना के बाद फूड इंस्पेक्टर को भी सूचना दी गई। वहीं इस मामले में खाद्य विभाग सहायक विनीत कुमार ने कहा कि हमें सूचना मिली थी यहाँ खाने में कॉकरोच निकले हैं, लेकिन मामले का ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मौके पर खाने का सैंपल ले लिया गया है, अगर सैंपल सही नहीं निकला तो लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। जब इन्होंने ये कंप्लेंट की है कि खाने के दौरान इन्होंने देखा कि उसमें कॉकरोच थी, इन्होंने यहाँ काउंटर पर कंप्लेंट की और कंप्लेंट करने के बाद में यहाँ वेटर आया और उसने इनसे कहा कि हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, दूसरा देते हैं, ये इनका वक्तव्य शिकायत करता है। मैंने चिली पटेटो और मैंने फ्राइड राइस का ऑर्डर दिया था, इसमें चिली पटेटो में कॉकरोच निकला है। जब हमने इनके मैनेजर को दिखाया तो वो बोलने के अरे गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, तो इसका मतलब इनके किचन में कितनी गंदगी रहती होगी और पब्लिक के साथ ये क्या, इनके पब्लिक के स्वास्थ्य के साथ इतनी नाइंसाफी है। यहाँ पे इतना पैसा तो इतना वसूल करते हैं, रुपये भी इतना वसूल करते हैं।
फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन लाइव।